आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिवाली पर इस बार रात 8 से 10 बजे तक चलेंगे पटाखे। रमन सिंह और करुणा शुक्ला ने किया नामांकन दाखिल, राजनांदगांव में रोचक मुकाबला। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बोले, कांग्रेस गई तेल लेने, मेरी लाज रख लो। होशंगाबाद में पटाखे का अवैध कारोबार, कई जगह हुई छापेमारी। और बैरागढ़ में टावर को लेकर विवाद, रेडिएशन के खतरे से लोग परेशान। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। इस बार दिवाली पर आप रात को सिर्फ 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि दिवाली पर लोग रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखा चला सकते हैं। यह आदेश सभी धर्मों के त्योहारों पर लागू होगा। वहीं न्यू ईयर और क्रिसमस की रात 11:45 से 12:30 तक पटाखे जलाने की इजाजत होगी। देश भर में पटाखों के उत्पादन, उनको बेचने और स्टॉक पर पाबंदी की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिवाली पर लोग रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। यह आदेश सभी धर्मों के त्योहारों पर लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो पटाखे चलाए जाएं वो कम धुएं और आवाज वाले हों, ताकि प्रदूषण ना फैले। सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों की बिक्री पर से भी कुछ शर्तों के साथ रोक हटाई है। इसके तहत पटाखों की ऑनलाइन बिक्री को रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को लागू करवाने की जिम्मेदारी इलाके के एसएचओ की होगी। आदेश का अमल नहीं होने पर एसएचओ की ही जवाबदेही होगी। कोर्ट ने अपने सुझाव में लोगों से सामूहिक रूप से पटाखे जलाने को कहा। वहीं कोर्ट के फैसले पर पर्यावरणविद विमल लेंदु झा ने निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पहले से ही खराब है और ऐसे में पटाखे जलाने की अनुमति देना उचित नहीं है। इससे प्रदूषण में इजाफा होगा और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील विजय पंजवानी ने कहा कि कोर्ट का फैसला बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं है। हम पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान पटाखा निर्माताओं ने दलील दी थी कि दिवाली के बाद बढ़ने वाले वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार नहीं हैं और सिर्फ इसी वजह से पूरे उद्योग को बंद करने का आदेश देना न्याय संगत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को मैदान से उतारा है। आज रमन सिंह और करुणा शुक्ला दोनों ने ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आज नामांकन के आखिरी दिन राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। रमन सिंह के साथ उनकी पत्नी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। रमन सिंह ने योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर नामांकन फॉर्म जमा किया। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी करुणा शुक्ला ने भी राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री के खिलाफ पर्चा दाखिल किया। जो लक्ष्य दिया है छत्तीसगढ़ के, अरे कोई संदेह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 65 से पाएगी और जनता में जो उत्साह है, जो अभी रुझान दिखाई दे, राहुल गांधी को स्वयं चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस के नेता नहीं कर पा अरे धक्का मत दो यार। अमित शाह जी की
विकास को लेकर जा रहे हैं, इसलिए राजनांदगांव में इस बार हमारे संवाददाता संजीव पचौरी ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद करुणा शुक्ला पहली बार राजनांदगांव पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करुणा शुक्ला का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश सरकार और रमन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि रमन सिंह भ्रष्टाचार की सरकार है। रमन सिंह मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हो, जिसने 10 वर्ष से इस राजनांदगांव का प्रतिनिधित्व करके इस राजनांदगांव के लिए कुछ नहीं किया हो, चौथी सरकार बनाने के लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर झूठे आंसू बहा रहे हैं, आज उनकी ही भतीजी उनको चुनौती देने के लिए आई है। करुणा शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हो, जिसने 10 साल से राजनांदगांव का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद कोई विकास नहीं किया हो, चौथी बार सरकार बनाने के लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर झूठे आंसू बहा रहा हो, आज उनकी ही भतीजी उन्हें चुनौती देने आई है। करुणा शुक्ला ने कहा, 34 वर्ष मैंने भाजपा में ईमानदारी से काम किया, लेकिन उनकी बेईमानी की वजह से मैंने भाजपा छोड़ी है। क्या है पूरी खबर? एक ही विधानसभा सीट से रमन सिंह और करुणा शुक्ला, अटल बिहारी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी ने एक फॉर्म, नामांकन फॉर्म दाखिल कर लिया। इस पर पूरी खबर पर जानकारी लेने के लिए हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी से हम बात करेंगे। संजीव जी, पूछना चाहूंगी आपसे कि विधानसभा क्षेत्र से रमन सिंह और करुणा शुक्ला जी ने नामांकन दाखिल कर दिया, अब कैसी राजनीति वहां नजर आ रही है? देखिए, बता दूं आपको कि राजनांदगांव अब राजनीति का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया है। बिल्कुल, क्योंकि रमन सिंह जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, रमन सिंह जी के खिलाफ किसको चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री, सामान्यतः मुख्यमंत्री कहीं से हारता नहीं, ऐसा बहुत कम हुआ होगा। तो एक ऐसा चेहरा ढूंढा जा रहा था जो कि कहीं ना कहीं इमोशनली इसको कैश कराया जा सके, उसके लिए उन्होंने एक करुणा शुक्ला को ढूंढा है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी है, भाजपा में रह चुकी है। हालांकि वो काफी लंबे समय से कांग्रेस में भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी, तो उनको एक राजनांदगांव भेजा गया है चुनाव लड़ने के लिए, जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बलि का बकरा जैसे कहते हैं। संजीव जी, क्या करुणा शुक्ला रमन सिंह के सामने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी हैं, बड़ा हथियार नहीं बन पाएंगी? नहीं, बता दूं आपको मैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एक अपना बहुत बड़ा आभार है और आज भी स्थिति वही है। करुणा शुक्ला जब तक भारतीय जनता पार्टी में थी, उनका एक मान सम्मान था और अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी होने के कारण एक मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो मिलता था उनको। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस में आ गई हैं, तो कांग्रेस पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी जी को जोड़ के, उनके परिवार को जोड़ के मतदाता और आम लोग नहीं देखते हैं। जी बिल्कुल जी, शुक्रिया संजीव जी। संजीव जी ने जैसा बताया है कि करुणा शुक्ला को बराबर सम्मान भाजपा में मिलता रहा, लेकिन फिर भी वो चूंकि पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आई हैं, लेकिन बहुत बड़ा हथियार इसलिए नहीं बन पाएंगी रमन सिंह के सामने, क्योंकि रमन सिंह वहां पर बड़ा कद रखता है भाजपा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बड़बोलापन एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। इस बार जीतू पटवारी अपने मतदाताओं से कह रहे हैं, आपको मेरी लाज रखनी है, पार्टी गई तेल लेने। जी हाँ, ये हैं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी। इनका बड़बोलापन हमेशा ही कांग्रेस के लिए मुश्किलों का सबब बन जाता है। पटवारी का मुंह इस बार भी खुला तो पता चला कांग्रेस तेल लेने गई है। जीतू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे जीतू पटवारी अपने मतदाता से कह रहे हैं, आपको मेरी लाज रखनी है, पार्टी गई तेल लेने। इस वीडियो को देखकर लगता है कि जीतू पटवारी कांग्रेस से भी बड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है, वहीं बीजेपी ने जीतू पटवारी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी के वायरल वीडियो पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता या कार्यकर्ता अपने आप को सर्वोपरि मानता है। इस मसले पर प्रभात झा ने कहा, कांग्रेस की हालत संतरे जैसी है, अगर यही हाल रहा तो
चुनाव से पहले ही कांग्रेस निपट जाएगी। मैं ये आपको बता रहा हूँ, मतदान के पूर्व देखिएगा, मतदान के दिन मत देखिएगा, 28 नवंबर के पहले संतरे की तरह एक दिखने वाली कांग्रेस जो नाटक कर रही है उसके अनेक विकृत रूप दिखेंगे आप, और उसका एक विकृत रूप आपने आज देखा है जो आप बता रहे हैं जीतू पटवारी जी के बारे में। राजनीति में जो सेवा का भाव होता है उससे कौसो दूर हो, जो पार्टी के बारे में ये कह दे कांग्रेस के कि पार्टी गई तेल लेने, तो भैया तुम कहाँ रहेगा यार। इसीलिए कांग्रेस में पार्टी है ही नहीं और अपने अपने तेल और अपने अपने पानी से काम कर रहे हैं। MIS बिल्डर एसोसिएशन ने बिल्डर्स के सामने फंड की कमी से उत्पन्न समस्याओं के बारे में बताया। इन बिल्डर्स ने बताया है कि उन्हें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। MIS बिल्डर एसोसिएशन के सेंट्रल ए क्षेत्र से संबंधित मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, बीना सागर, भोपाल एवं मऊ ब्रांच के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। एसोसिएशन के 22 प्रेसिडेंट पीयूष मिश्रा ने बताया कि विगत 2 वर्षों से सेना के कार्यों में फंड की बड़ी कटौती के कारण जहां एक ओर काम बंद हो गए, वहीं दूसरी ओर पिछला भुगतान न होने से बिल्डरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ कार्य अधूरे भी पड़े हैं जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि फंड की कमी के चलते बिल्डर्स ना तो मजदूरों को पैसा दे पा रहे हैं और ना ही बैंक से लिया हुआ लोन चुका पा रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि हमारी सेना, जिस पर हमको गर्व है, उसकी ही कठिनाइयों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर जो सेना में बिल्डर्स को विगत 2 सालों से फंड की कमी के कारण उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, उनका भुगतान नहीं हो रहा है, इसके लिए आप लोग सामने अपनी बात रखने के लिए आए हैं। 2 वर्षों से जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका भुगतान बिल्कुल नहीं हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है। मैक्सिमम करीब 3,000 करोड़ रुपये हमारे पूरे देश में बिल्डर्स हमारे लोगों को रुका हुआ है, जिसके कारण आज सभी ठेकेदार नए काम नहीं आ रहे हैं। इससे हमारे हजारों बिल्डर बेरोजगार हो गए हैं और जो काम हैं, जो काम हम लोग कर चुके हैं, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। इसके कारण हमारे मजदूर बेरोजगार हो गए, हमारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए, और हम लोगों के सामने जो बैंक से हम लोग लोन लेकर के अपने कामों में लगाए हैं उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा प्रॉफिट था 5-6% 10% वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारी के चलते सापाक्स के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि SC ST एक्ट से प्रभावित लोगों की कहानी छापकर घर घर तक पहुंचाएं। SC ST एक्ट में संशोधन के बाद इसका विरोध दर्ज कराकर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने वाली पार्टी सापाक्स अब चुनावी मोड में है। इसी क्रम में सोमवार को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने अशोकनगर जिले के मुंगावली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप एट्रोसिटी एक्ट भाजपा व कांग्रेस की क्या भूमिका है उसको जनता के बीच में पहुँचाएं। अब हमने निर्णय लिया है कि ये अभी विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं इसमें सभी 230 सीटों पर लड़ेंगे। जो संगठन हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनके सहयोग से हम लड़ेंगे और इस प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछेगी कि ये सब एट्रोसिटी एक्ट में गलत कानून पास हुआ, तब आपने मुंह क्यों नहीं खोला, और इस कारण ये लोग अब जनता के बीच में जाके मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमें उम्मीद है जनता इनके सभी अत्याचारों का, इनके सभी गलत निर्णयों का इस बार जवाब देगी। हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि आप उन लोगों पर नजर रखें जो SC ST एक्ट के शिकार हुए हैं, ऐसे लोगों से मिलकर उनकी पूरी कहानी लिखें और घर घर इसको पहुंचाएं, जिससे कि सरकार को भी यह पता चले कि आम नागरिक इनके द्वारा उठाए हुए कदम से कितना परेशान है। त्रिवेदी ने कहा कि हम प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आनंद जी की चर्चा हमेशा इसलिए होती है कि सावधानी कोचिंग के संचालक हैं, नए विद्यार्थियों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अभी आनंद की चर्चा है नशे के खिलाफ एक अभियान को लेकर।
क्या है अभियान पहले तो ये बताइए। हमेशा जहाँ भी आनंद सबधानी का नाम आता है तो सब लोग जो आपने बोला वैसे ही मुझे जानते हैं कि एक वो व्यक्ति जो लोगों को रोजगार तक पहुँचाता है, लेकिन कुछ समय से मेरा नाम बदनाम भी हो रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि नेतागिरी का भूत तो नहीं चढ़ा। कि मैं आपके चैनल पे आज पहली बार किसी न्यूज़ चैनल पे बोल रहा हूँ कि जिंदगी में कभी भी आनंद सबधानी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ेगा न किसी राजनीतिक पार्टी में जाएगा। ड्रग मिलाए जाते हैं हुक्के में और पिलाए जाते हैं, ये सच है? ये 100% सच है। हुक्के की आड़ में लड़खड़ाता यौवन, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं शिक्षाविद आनंद सबधानी से, जिन्होंने एक अभियान चलाया है हुक्के के खिलाफ। मुझे नशे से आपत्ति नहीं है, नशा जो करता है वो तो खराब है ही चीज, लेकिन ये हुक्का का जो नशा है वो बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। आप देखें हुक्के में कोई 40 साल का 50 साल का व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा, 14 साल से 18 साल या 14 15 16 17 साल के बच्चे मिलते हैं। बेबाक बात सिर्फ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इटारसी में सरकारी अस्पताल कॉम्प्लेक्स में स्थित दो पटाखा दुकानों पर होशंगाबाद पुलिस की विशेष टीम और इटारसी पुलिस ने संयुक्त छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में बिना लाइसेंस बेचे जा रहे पटाखे जब्त किए। दोनों दुकान संचालकों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस ने मेहरा गांव स्थित दोनों दुकानदारों के गोदाम पर भी छापा मारकर बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष सराठे ने बताया कि इटारसी में प्रदीप जैन और कमल जैन की दो दुकानों से बिना लाइसेंस भारी मात्रा में रखे गए पटाखों का जखीरा बरामद किया गया। इसी प्रकार संयुक्त पुलिस टीम ने मेहरा गांव में प्रदीप जैन के गोदाम पर छापा मार कर वहां भी बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में संग्रह कर रखे गए पटाखों को जब्त किया। इटारसी पुलिस ने प्रकाश पिता कमल जैन एवं प्रदीप जैन दोनों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों कार्रवाइयों में संयुक्त पुलिस टीम ने दो ट्रक अवैध पटाखे बरामद किए हैं। सूचना जैसे प्राप्त हुई थी कि हम जो फटाके विक्रेताओं द्वारा जो है अवैध रूप से इसका जो है संग्रहण करके रखा गया है, जिस तारतम्य में आज इटारसी पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर उपस्थित होकर सभी इनके दोनों दुकानें और गोदाम इत्यादि पर जो है यहाँ पर चेकिंग की गई है। चेक करने पर जो है ये पाया गया कि इनके पास में भारी मात्रा में जो सामग्री फटाके सामग्री जो है मिले हैं। इसी आधार पर जो है दोनों दुकानें और ये यहाँ पे गोदाम, इन दोनों दुकानों के अतिरिक्त यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। बिजावर की शहगढ़ पंचायत में हुआ शासकीय राशि का गबन, कई जगह पर मामले की शिकायत भी की गई लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिजावर जनपद की शहगढ़ ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव एवं सहायक रोजगार अधिकारी ने शासकीय राशि का गबन किया है। इसकी शिकायत बिजावर SDM, CO एवं जिला कलेक्टर के यहां भी की गई लेकिन कलेक्टर के आश्वासन के बाद भी आज तक इस मामले की कोई जांच नहीं की। चाहे CC रोड का मामला हो, जनपद पंचायत बिजावर CEO ने शाहगढ़ पंचायत में निर्माण कार्यों में हुई लापरवाही को एवं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक के द्वारा राशि के गबन की बात को स्वीकार किया है। शाहगढ़ में जो शाहगढ़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत मेरे पास शिकायत आई थी और कुछ लोग जिला में भी गए थे शिकायत लेकर के, जो मेरे पास शिकायत आई थी मैंने जांच के लिए अपना दल भेजा था। इसके बाद जिला में जाने पर जिला स्तर से उसकी जांच टीम गठित हुई है। अब जांच टीम के बाद क्या उसका परिणाम आया है ये मुझे जानकारी नहीं है, पर ये बात सच है आपकी कि वहाँ पर कुछ राशि में और भौतिक काम की भौतिक स्थिति में अंतर है, उस पर कार्रवाई होने के लिए जिला स्तर से दल गठित है वो कार्रवाई। एक तरफ जहां टेलीकॉम कंपनियां बेहतर नेटवर्क सुविधा देने की होड़ में सभी शहरों में टॉवरों का जाल बिछा रही हैं, वहीं अब कंपनियां नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाकों में भी टावर लगाकर आम जन की जान से खिलवाड़ करने पर आमादा हो गई हैं, जिसको लेकर बैरागढ़ के वन ट्री हिल्स निवासियों ने अपने पड़ोस में लग रहे मोबाइल टावर की शिकायत की है।
प्रतिस्पर्धा की होड़ में मोबाइल टावर कंपनियां आम नागरिक की जान से खिलवाड़ करने पर आमादा हो गई हैं। जहां रिहायशी इलाकों में मोबाइल टावर होने से रेडिएशन से होने वाली परेशानियां और बीमारियां बढ़ रही हैं, वहीं टेलीकॉम कंपनियां लोगों को मोटी रकम देने का लालच देकर नियमों से खिलवाड़ करके टावर लगा रही हैं, जिसमें नगर निगम भी आंखें बंद करके इन कंपनियों को आमजन की जान से खिलवाड़ करने की परमिशन दे रही है। बैरागढ़ के वंट्री हिल क्षेत्र में भी लगाए जा रहे एक ऐसे ही टावर की शिकायत लेकर वहां के रहवासियों ने बैरागढ़ एसडीओपी के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। वंट्री हिल क्षेत्र में जहाँ हनुमान मंदिर है वहां पर एक टावर खड़ा हो रहा है और वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है उस क्षेत्र की, और उस क्षेत्र के रहवासी भी अभी हमारे साथ में है, लेकिन एयरटेल वालों से 3-4 बार मेरी और रहवासियों की मीटिंग भी हुई और उन लोगों को हमने समझाया कि आप जो है यहाँ पर टावर न लगाएं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है कल रात को 2:45 बजे आके उन्होंने टावर खड़ा किया है, और टावर खड़ा करने के बाद जो है सुबह जैसे लोगों को रहवासियों को पता पड़ा उन्होंने विरोध करना शुरू किया और मेरे दरवाजे पर भी वो आए, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का पार्षद रहा हूँ। तो मैंने उस परिवार को समझाया कि टावर आप बंद करवा दीजिए, तो इस वजह से हम यहाँ पर अभी एसडीओपी जी से हम मिले और एसडीओपी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं जो है अभी ये काम बंद करवा दूँ। इन सभी लोगों ने एसडीओपी से तुरंत काम रुकवाने की मांग के साथ डॉक्यूमेंट की जांच करने की भी मांग की। रहवासियों का आरोप है कि अपनी छत पर टावर लगवा रहे चेलानी न सिर्फ रहवासियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि नियम विरुद्ध काम भी कर रहे हैं। हम हमारे घर के था वंट्री हिल्स पे हम एक टावर खड़ा कर रहे हैं, उसको मेट्रो टावर बोलते हैं, और गोपीलाल चेलानी उधर के ओनर है, उन्होंने वो मेट्रो का टावर अपने घर के छत पे लगवाया। तो आगे जो रेजिडेंशियल एरिया हम लोग उनके पड़ोसी हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि उस जो टावर से जो रेडिएशन निकलती है उससे ब्रेन ट्यूमर कैंसर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम वो चाह रहे हैं कि वो टावर नहीं खड़ा हो। अब उन्होंने वो 10 लोगों का कंसेंट लिया नहीं है और अपनी जो ज़मीन है वो लीज पे दे दी है, तो हम वही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने वो 10 लोगों का कंसेंट कहाँ पे दिया, क्यों नहीं दिया, और हम वही ट्राई कर रहे हैं कि वो टावर अब नहीं खड़ा हो, और अभी हम इस पे बात करने आए थे। इस सब को लेकर एसडीओपी का कहना है कि यह कार्य नगर निगम के अधीन आता है, लेकिन लोगों ने हमसे शिकायत की है तो हम मामला नगर निगम के सुपुर्द करके उचित कार्रवाई करने को कहेंगे, साथ ही विवाद ना सुलझने तक टावर का काम रुकवाया जाएगा। वहीं इस सब पर मकान मालिक का कहना है कि सभी काम लीगल किया जा रहा है, जिसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और परमिशन ली गई हैं। जहां एक तरफ रहवासी रेडिएशन से होने वाली परेशानियों को लेकर चिंतित हैं, वहीं भोपाल नगर निगम भी आम जन की जान से खिलवाड़ कर टेलीकॉम कंपनियों को रिहायशी इलाकों में टावर लगाने की अनुमति दे रहा है, जो कि रिहायशियों की जान से एक तरह का खिलवाड़ है। क्या है टावर का मुद्दा, इस पर हम अपने संवाददाता कमलेश वरलानी से बात करेंगे। जी कमलेश, जानना चाहूंगी क्या है टावर का मुद्दा। मतलब ये वंटरी बैरागढ़ क्षेत्र में एक मोहन करके चंदन चेलानी करके ना है, उन्हें अपने छत पे लगवा दिया और उसमें लोगों से फर्जी दस्तावेज साइनिंग करवा करके जी। करके खुद ही ने साइनिंग कर दिए जी, और ना टावर खड़ा करवा दिया जी। तो वहाँ के जो क्षेत्र के नागरिक है वो नगर निगम कार्यालय भी गए थे, उसके बाद बैरागढ़ एसडीओपी कार्यालय भी गए थे और शिकायत किए जी। शुक्रिया कमलेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।